मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन जी नाज़िन ये सितारों पे कमन के नाम से ये प्रोग्राम मैं से ये ताजीम अब्बास नकवी और मेरे साथ होती हैं सहरा नकवी ये प्रोग्राम हम आपकी ख़िदमत में हर सोमवार को तीन से पाँच बजे तक पेश करते हैं इस प्रोग्राम का फॉर्मेट इससे डिज़ाइन किया गया है कि ये हमने डिज़ाइन किया है यूथ की करियर काउंसिल तो इसमें पी से लेके और टोटल कंप्लीशन तक आपको कितना टाइम लगता है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन कंसर्न कोर्सेज़ में मिल सकता है और उसकी जॉब मार्केट अब क्या है और आने वाले सालों में क्या होगी इससे हमारी जो यूथ है उनके लिए आसानी होती है और उसके बाद फिर हम किसी हाई अचीवर को टेलीफ़ोन लाइन पर लेते हैं एज अ गेस्ट और उसके बाद आखिर में एक इंटरेक्टिव आ, सेशन हमारा होता है जिसके अंदर टेलीफोन लाइन खोल दी जाती हैं और आप आ, की भरपूर आ, शिरकत उसमें होती है और अपने कलेक्टिव आप राय से हमें नवाजते हैं और हम उससे इस्ता करते हैं क्योंकि आज शाबान का महीना है और आज चार शाबान भी है तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपनी तरफ़ से अप हिदायत टीवी की तरफ से और हमारे जितने भी नाजरीन देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मौला अब्बास की की विलात बासादत की और साथ साथ इमाम ज़माना की ख़दत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ ग हूँ परवर आलम जो लोग देख रहे हैं हमें सुन रहे हैं और हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं टेक्निकल स्टाफ हम सबको पर तंदरुस्तगी के, के, तो के साथ नसीब फरमाए तो आज हमने, तो हमने क्योंकि आज सुबह से ही एक फेस्टिविटी का एक माहौल है जश्न का एक माहौल है तो हमने सोचा कि इसमें सिर्फ पहला एक पंद्रह मिनट का जो सेगमेंट है उसमें हम सीवी राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर हमारी टेलीफोन लाइंस आज खुल जाएंगी तो उसमें हम चाहते हैं कि आप लोग भरपूर तरीके से शिरकत करें और मौला अब्बास को ट्रिब्यूट करें पेश करें इमाम ज़माना की ख़दमत में अगर आप आ, आ, ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं हदियाए तबरीक पेश करना चाहते हैं तो ज़रूर पेश करें तो आज हमने सिर्फ पंद्रह मिनट सी राइटिंग के लिए प्रोफेशनल डिस्कशन के लिए रखे उसके बाद टेलीफोन लाइन्स हमारी खुल जाएंगी उसमें आप कसीदा चाहे कसीदा पढ़ना चाहें कसीदा पढ़ें या कोई बात कहना चाहते हैं तो जरूर कहिए और आखिरी सेगमेंट में हमारा जो टॉपिक होगा वो क्योंकि आज अब्बास बा वफा की विलादत की बात है तो उसकी नस्बत से हमने सोचा कि आज का इंटरेक्टिव टॉपिक जो है वो वफाशारी रखें कि वफ़ाशारी हमारे माशरे में कितनी रह गई जब हम वफाशारी की बात करते हैं तो फ़ौरी तौर पे हमारे जहन में ये होता है कि बेगमात वफाशार होनी चाहिए लेकिन मैं कहता हूँ वफा शारी तमाम तबकात में तमाम रिश्तों में ज़रूरी है तो ये हम अपने लास्ट सेगमेंट में इसके ऊपर गुफ्तू करेंगे तो बात करते हैं इससे पहले कि मैं सी वी राइटिंग के बारे में बताऊँ मैं चाहूँगा सहरा से कि सहरा आपसे मुखातिब हूँ ताकि आज आ, उनका भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए इस आ, प्रोग्राम के सिलसिले में जी सामकम नाजरी आज आ, मौला अब्बाश की वलादत है उसके लिए मैं भी बहुत बहुत आप लोग को मुबारकबाद देती हूँ और जिस तरह से आज बिल्कुल एक जश्न का समा है और uh, कुछ कहना क्या मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ इतना इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट डे और uh, कुछ वर्ड्स जैसे जिस तरह से अभी नकवी साहब ने कहा कि वफ़ा uh, वफा आई डोंट नो हाउ टू से बिकॉज इट्स लाइक हमारे अंदर तो है ही नहीं है मेरा ख्याल है तो मौला बास के uh, जिस तरह से वफा की उन्होंने आ, उस सिलसिले में आ, आप लोग हमें कुछ भी पढ़ के सुना सकते हैं और जैसे भी जिस तरह से भी आ, आपके हो मैं एक छोटा सा कुछ आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ जी शाद जी इश्क बास जो एक बार असर करता है वाह वा, इश्क अब्बास जो एक बार असर करता है सुबह फिर लहू बनकर वो नस्लों में सफर करता है फिर लहू बन के वो नस्लों में सफर करता है क्या मैं, बात है मैं तो परचम को सुनाती हूँ मुसीबत अपनी आहा। कौन अब्बास को ना जाने खबर कर वाह वाह मैं तो परचम को सुनाती हूँ मुसीबत अपनी कौन ना जाने अब्बास को, को खबर करता, करता है, है। ये बात यकीनन आज सुबह से नाजरीन आप देखें कि अनवार शाबान हैं और सुबह से ही हमारे हिदायत टीवी पर और, और भी जितने भी चैनल्स हैं मुहब्बान अहबै के उन सब पर आज यही टॉपिक चल रहा है यही डिस्कशन हो रहा है यही जश्न का समा है तो ये बात हकी है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जश्न का एक समा होना चाहिए एक फेस्टिविटी का मूड होना चाहिए अब वो मूड जरूरी नहीं है कि आप जो है गाना बजा के या गाने गा के ही करें बल्कि आप फेस्टिविटी का मूड आप अच्छे तरीके से मना सकते हैं आपके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए जश्न की एक आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगना चाहिए कि जी एक आप एक जश्न मना रहे हैं आप खुश हैं आपको अंदाज़ा यानी इंसान इस खुशी का अंदाज़ा हम कर नहीं सकते आप ये देखिए कि आज स्पेशली मौला मुश्किल कुशा की जो पूरी दुनिया के मुश्किल कुशा हैं उनकी मुश्किल कुशाई के लिए परवरदिगार आलम ने मौला अब्बास को चुना और आ, मौला मुश्किल कुशा ने दुआ करके मौला अब्बास को मांगा तो ये अंदाज़ा कर लें कि उन ये कितनी बड़ी उनके लिए ख़ुशी का बायस होगा जाहिर है तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज बात अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊं कि अपने बच्चे बच्चियों के लिए सीवी राइटिंग के बारे में मैं बता दूं कि सीवी राइटिंग नाजरीन असल में ये होता है कि जब आप कहीं जॉब अप्लाई करते हैं तो आपकी जो सीवी होती है और जो कवरिंग लेटर होता है वो बेसिकली आपकी मार्केट आपकी वर्थ जाहिर करता है तो आ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी सी भेजें या अपना कवरिंग लेटर लिखें तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करना ज़रूरी है इसके बारे में मैं एक तफसीली प्रोग्राम जरूर करूंगा जिसके अंदर हम एक्सपर्ट को बुलाएंगे एक सी बी राइटिंग के और कवरिंग लेटर के सिलसिले में मेरी उनसे बातचीत चल रही है उन्होंने मुझे टाइम देना है ताकि एक प्रोफेशनल आपको अप्रोच भी नजर आए कि प्रोफेशनली क्या चीज़ें आपको शामिल करनी चाहिए लेकिन जनरली स्पीकिंग आप देखिए कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो एक हज़ार जॉब एप्लीकेशन्स आ रही हैं या 500 जॉब एप्लीकेशंस आ रही हैं या 400 जॉब एप्लीकेशंस आ रही हैं उसमें से आप किस तरीके से जारे आप जाहिर है आप पर्सनली तो सामने हैं नहीं तो जब आपको शॉर्ट किया जाता है वो आपकी सी के बेस के ऊपर ही किया जाता है आपके कवरिंग लेटर की बेस के ऊपर ही जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है फिर आपको मौका मिलता है मिसाल के तौर पर मैं शायद जब पर्सनली प्रेजेंट हूँ जाऊँ सामने तो शायद किसी को इंप्रेस ज़्यादा कर सकूँ बन नस्बत इसके के मेरी सी भी जाए तो जब मेरी सी भी इंप्रेसिव नहीं होगी तो मुझे इंटरव्यू के लिए कौन बुलाएगा जब इंटरव्यू के लिए मैं नहीं मुझे बुलाया जाएगा तो मैं इंप्रेस नहीं कर सकूँगा तो किसी भी जॉब को हासिल करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप ये होता है कि आपकी सीवी जो है वो बड़ी प्रोफेशनली रिटर्न होनी चाहिए और सीवी लिखते वक्त और कवरिंग लेटर लिखते वक्त ये जहन में रखिए कि पढ़ने वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको पाँच पेजेस की सीवी पढ़ ले आमतौर तो पर बच्चे ये समझते हैं सारा के जी अगर चार पेज का कवरिंग लेटर है या बड़ी जितनी लंबी सीवी है उतना ज्यादा इंप्रेस हो इंप्रेस जाएगा ऐसा नहीं होता क्योंकि देखने वाले को सौ सी को जो है शॉर्टलिस्ट करनी है तो उसने देखा ये पाँच छह सफ़े कौन पड़ेगा उसने पहले ही उसको साइड पे रख देना और दूसरा ये आपने तो बिल्कुल सही कहा कि यू आर नॉट प्रेजेंट गिविंग द इंटरव्यू बिकॉज जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं योर बॉडी लैंग्वेज द वे यू टॉक हाउ मच ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट मगर यहाँ क्योंकि हम सिर्फ सी की बात कर रहे हैं तो अगर सी वी नहीं होगी, तो बिल्कुल सही है। it will be shortlisted. So, uh, CV को ही सबसे ज्यादा पहले बनाना uh, आप सी की बात कर रहे हैं कि आजकल स्कूल में भी जो भी होमवर्क मिलता है कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है वहाँ पे टीचर अक्सर रिमार्क लिखती है कि द वर्क you know, उसको अच्छी तरह से प्रजेंट करें वरना उसके मार्क्स कटेंगे तो यहीं से बच्चे शायद सीख जाएंगे कि हर चीज को किस तरह से हमने आगे लेके चलना है ये राइट अपॉर्चुनिटी है अगर आप बच्चों के जो एग्जाम हाँ। शुरू होने, होने वाले उनको कुछ नेक्स्ट मंडे ईयर सिक्स के जो के एग्जामिनेशन होते हैं और ईयर टू के शायद थर्टींथ को शुरू हो रहे हैं और सिक्स के बच्चे जो सारे बच्चे एग्जाम्स दे रहे सेट्स के वी फ्राम आर साइड एंड फ्राम हर टीवी टी वी ऑल आ टीम हम उनको गुड लक विश करते हैं और अल्लाह आपको कामयाब करे इसमें क्योंकि आई थिंक वन पेपर्स ऑन एथ मंडे ट्यूजडे वनसडे थर्सडे फोर डेज यू हैव कंटिन्यूसली पेपर्स और उसके बाद एन फ्राइडे यू कैन रिलैक्स सो वी विश ऑल गुड लक और अल्लाह ताला आपको आपको मदद करे इस पर और अच्छी तरह से आप पेपर दे सके ताकि आप ईयर सेवन क्योंकि जिस तरह से अभी नकवी साहब ने कहा ना कि योर सी वी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट पार्ट नासिन ये जो ईयर सिक्स का एग्जामिनेशन होता है ये आपका रिज़ल्ट कंटिन्यू होता है आगे जाके जब आप ईयर सेवन में जाएंगे हाई स्कूल में कुछ भी आपके आ, 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 बारे में होगा लाइक वेन एवर दे ओपन योर प्रोफाइल तो उस पर आपको ईयर सिक्स का रिजल्ट और ईयर टू का जो आप दे चुके हैं बहुत पहले वो साथ साथ चलता रहता है अब आपने ईयर सिक्स के बाद आपने जी सी एस सी देना है वेन एवर ये वॉन्ट टू सी समथिंग हाउ डिड यू डू और स्पेशली ईयर सिक्स पे एक और बात मैं आपको बता दू कि सेवन में जब जाते हैं तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स भी बहुत चेंज हो जाती हैं आई मीन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ईयर सिक्स में अगर आप अच्छा रिजल्ट आपका रहेगा तो सेवन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी तो दैट इज वाई ईयर सिक्स में मार्किंग इज़ ऑल्सो अ लिटल स्ट्रिक पहले आप लोग साइंस का पेपर देते थे अब वो साइंस का स्कूल में ही ले लेते हैं रीडिंग ग्रामर दिस इज़ वेरी वेरी ग्रामर पे तो वह बहुत, बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं और काफ़ी लेंथी पेपर है uh, आप लोग अच्छी तरह से पेपर्स दीजिएगा हमारी दुआएं आपके साथ हैं बच्चों के साथ और uh, क्योंकि ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे बिल्कुल सही बात है अब नाजिन ये बहुत जरूरी है कि सीवी राइटिंग के लिए आपने जो चीज़ें चूज करनी है उस पे आपने ध्यान देना है कि आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस उसके अलावा आपने जो वॉल्ट्री वर्क किया हुआ है आजकल स्कूल में वॉल्ट्री वर्क भी कराते हैं उसको और चीज़ें भी बताते हैं साथ साथ तो वॉल्ट्री वर्क हो गया आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई आपका हर किस्म की एक्सपीरियंस जो आपने किया हो उसको आपने बड़े ही uh, मुनासिब अल्फाज में शॉर्ट uh, uh, अल्फाज में ब्रीफली उसको आपने लिखना है ताकि uh, देखने वाले को पता हो कि जितना आप वर्सटाइल होंगे अपने काम में अपने एक्सपीरियंस में उतना उसके लिए अच्छा होगा चूज करना जी, जी आप मैं कुछ कह रही थी। जी आ, मैं ये बता रही थी कि लास्ट ईयर आई थिंक दिस टाइम अभी जो uh, ये लास्ट टू वीक्स टू वीक्स उनको दिया करने के लिए वर्क एक्सपीरियंस के लिए टू वीक्स दिया क्योंकि दे वॉन्ट टू सी हाउ वेल दे कोप अप विद बिल्कुल सही है कल मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी तो, तो उसने मुझे कहा कि वी डिड दिस टू वीक्स वर्क एक्सपीरियंस के लिए वी वी हैड टू वर्क फॉर टू वीक्स तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तीन दिन में आप क्या बता सकते हैं तो उन्होंने अभी फिर से चेंज करके दो हफ्ते कर दिया दो हफ्ते काम करके जहाँ भी आपको uh, कोई सॉलिसिटर के ऑफिस में किया या आपने किसी बैंक में किया या फार्मेसी पे किया तो वो लोग फिर आपका जो लेटर है लेटर वो आपको स्कूल में भेज देंगे बिल्कुल so सही, सही नाजिन मैं जैसा कि अभी अर्ज़ कर रहा था आपके सामने सीवी के लिए तो मुझे ऑलरेडी टैक्स आना शुरू हो गए कि जी कब आप प्रोग्राम करेंगे कंप्लीट सीवी राइटिंग के ऊपर तो इन जल्द ही हम ए, एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हम प्रॉपर कवरिंग लेटर और सी राइटिंग के एक्सपर्ट्स को या स्टूडियो में मधु करेंगे या टेलीफोन लाइन पर लेके उनसे उनकी राय लेंगे उनकी माहिराना राय लेंगे ताकि जो देखने वाले हैं वो हो जाएं और मैं एक हफ्ता पहले आपको बताऊंगा नौजवान लड़के लड़कियों को कि जी हम अगले हफ़्ते करेंगे ताकि वो अगर कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर लें इन शॉर्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके अंदर जितनी क्वालिटीज़ हैं वो कंसर्न क्वालिटीज़ आप ज़रूर मैंशन करें अपनी सी के अंदर आपने ग्रेजुए अंडर ग्रेजुएशन में जो प्रोजेक्ट वर्क किया है आपने जो ग्रुप एक्टिविटी की है आपने जो डेजिटेशन प्रोजेक्ट बनाया है आपने वॉल्ट्री वर्क किया है आपने मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसिस हासिल किए मुख्तलिफ पार्टिसपेट किया है मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में ये तमाम चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं और ये रिफ्लेक्शन ही चाहिए जो आप जो आपकी सी वी को शॉर्ट लिस्ट कर रहा है उसको ये ही रिफ़लैक्शन चाहिए कि आप कितने ज़्यादा वर्सटाइल हैं अपने काम में तो र अगर आपको एक एम्प्लॉयर हायर करेगा तो वो इसी लिए करेगा कि वो ये देखना चाहता है कि आप अंदर कितनी रिक्वयर्ड क्वालिटीज़ हैं तो उसके लिए आपका सीवी जो है वो आपका आपको मार्केट करने का एक तरीका है तो आप सीवी जब लिखते हैं तो वो आप अपने आप को मार्केट कर रहे होते हैं जितनी अच्छी तरीके से आप अपने आप को मार्केट करेंगे उतने चांसेस हैं आपको कि एम्प्लॉयर आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू में बुलाएगा तो जाहिर है फिर जब एक दफा आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता है तो फिर आपके पास ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर सकें अपने जवाब से अपनी इंटेलिजेंस से अपनी स्किल से उसको दिखा सकें लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको सीवी आपकी जो है बड़ी कॉम्प्रीह अच्छे तरीके से उसको आपने कॉम्प्रिहसिव एक तरीके से लिखना ज़रूरी होता है और इसी तरह कवरिंग लेटर है कवरिंग लेटर में आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है इन इन अ वे कि आपने ये बताना है कि आप जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी के लिए आप कैसे <coughs> एसेट साबित होंगे उनके लिए कैसे आप वैल्यूएबल होंगे उस कवरिंग लेटर में वो ये नहीं देख रहा कि आपकी क्या वैल्यू है वो आप अपनी वैल्यू को रैशनलाइज करें अपनी क्वालिटीज़ को उस कंपनी की रिक्वायरमेंट के साथ रैशनलाइज करेंगे तो काम बनेगा सीवी में आपने <coughs> अपनी क्वालिफिकेशंस बता दी अपनी आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्सपर्टीज अपनी जो स्किल्स हैं वो बता दी उन स्किल्स को आप कवरिंग लेटर के अंदर जब लिखेंगे तो आप ये बताएंगे कि जो मेरी स्किल्स और क्वालिफिकेशन मैंने सी में लिखी हैं वो आपकी कंपनी के लिए मैं कैसे उसको फ्रूटफुल बनाऊंगा वो कंपनी के लिए कैसे फायदेमंद साबित होगी तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए अच्छा सीवी आपका लिखा हुआ होगा तो उसके अगेंस्ट में एक अच्छा कवरिंग लेटर होगा ऐसा ना हो जो कुछ आपने सीवी में लिखा है वही आप कवरिंग लेटर में लिख दें तो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी सीवी के लिए आप ये जहन में रखिए कि वो आपको मार्केट कर रही है आपकी क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस कर रही है और जो कवरिंग लेटर है वो ये बता रहा है कि वो जो क्वालिटीज़ आपके पास हैं जो सीवी में बताई हैं वो आपको आप उसको कैसे रैशनलाइज करेंगे उस कंपनी के लिए उस कंपनी के लिए वो क्वालिटीज़ को आप किस तरीके से फ्रूटफुल बनाएंगे तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये जहन में रखेंगे आप कवरिंग लेटर और सीवी राइटिंग के अंदर ताकि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करें तो शॉर्ट लिस्ट हो जाए और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद फिर आपको एक मौका मिले कि आप इंटरव्यू के लिए जाएं और इंटरव्यू के बाद आपको चांसेस हों कि आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें फिर एक इंटरव्यू के भी एक स्किल होती है इस पर भी एक प्रोग्राम पूरा हो सकता है कि जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है आपको क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी क्या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे वो कि इन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे पूछेंगे उसके क्या अप्रोपरिएट जवाब हो सकते हैं तो ये पूरा एक ये पूरी एक एक आर्ट है बेसिकली और स्पेशली इस कंपटीशन के अंदर जब आप देखें बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हैं इसके अंदर आपको उन सैकड़ों में या हज़ारों में आपको जो एज हासिल है वो किस तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे ये ये आप बताएंगे उस सी में और उस कवरिंग लेटर में और उसी की बिना पर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए जहां पर आपको चांस होगा कि आप अपने स्किल्स को और अपनी क्वालिफिकेशन को कर सकें प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ समबडी तो ज़ाहिर है उसमें ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं तो आ, ये इन चीज़ों को आप अगर जहन में रखें तो मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से आप वो जो है जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं mm. तो हमारे पास दो मिनट रह गए सारा इससे पहले के दो मिनट हो एक मिनट आप बोलिए फिर एक मिनट में अगले सेगमेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि फिर हम जश्न का ये सिलसिला जारी रखें <laughs> जैसे आप सी.वी के बारे में कह रहे हैं तो रहा जो लिखा जाता है सीवी में वो डिफरेंट ओबियसली द पर्सन हु एवर इज कू री द सी वी वे एवर यू अप्लाई मगर बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका किस तरह से बात करनी है और कभी कभी ऐसा होता है कि वह तो क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप क्वेश्चन सुन के उसी का जवाब दें कि पता चल रहा है कि वो कुछ पूछ रहे हैं और आप कुछ और ही जवाब दे दें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम उनको बता सकें कि जो सवाल पूछा जाता है उसी का ही आपको जवाब देना है ऐसा नहीं कि कुछ और ही आप उल्टा सीधा जवाब दे दें तो दे बिल्कुल सही, सही बात, बात है तो नाजरीन आ, ये हमने आज के लिए बड़ा शॉर्ट एक सेगमेंट रखा था सी का क्योंकि हम चाहते थे कि आज अल्लाह ताला ने हमें आ, चार शाबान नसीब किए तो हम भरपूर तरीके से मौला अब्बास को ट्रिब्यूट पेश कर सकें इमाम जमाना को हदय तबरीक पेश कर सकें तो वक्फा होगा वक्फे के बाद हमारी टेलीफोन लाइन खुल जाएंगी तो फोन में आप लोग फोन करके कसीदा खानी कर सकते हैं आप शेर सुना सकते हैं आप कोई अच्छी बात कह सकते हैं आ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हजरत अब्बास से मुख्य ही हो कल हमने इमाम हुसैन का जश्न मनाया आज हम चाहते हैं कि हजरत अब्बास की आ, की सना खानी हो उनके कसीदे सुने ताकि मौला हुसैन और जनाब सैदा भी खुश हों और इसका जिस तरीके से हक है मनाने का वो तो हम अदा नहीं कर सकते लेकिन कोशिश करें कि ये फोरम हम अल्लाह ने हमें अता किया है तो इस फोरम से चार तारीख चार शाबान को हमें हयात भी अल्लाह ने दिए तो यही सोच के हमने इस प्रोग्राम का ये सेगमेंट रखा अब वक्फे के बाद इन शाह आप लोग शामिल होंगे फोन कॉल करके सना खानी शेर रुबाई जिस अंदाज में भी आप आ, तबरीक पेश करना चाहें यूर मोर देन वेलकम कोई बात कहना चाहें उसमें भी मोर दन वेलकम तो इनशाला मिलते हैं ब्रेक के बाद और हमारे साथ मुख्तलफ खान शामिल होंगे ब्रेक के बाद देखते रहे हिदायत टी वी Uh, we'll see you after the break.